नमस्कार अखन हम सब दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन कवर करैत आबि चुकल छी जैतपुर बदरपुर और वार्ड संख्या 184 में। अखन हमरा सब संगे किछु मैथिल सब छै तऽ हम ई मैथिल सबसँ बात करै छियनि और पूछै छियनि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन पर हिनकर सबक की विचार छनि और मैथिल के की सहभागिता छै दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के मिथिला चैप्टर में। बहुत 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 धन्यवाद। दिल्ली के अखन ई एमसीडी इलेक्शन में मैथिल के की सहभागिता छै, बहुत अहाँ की कहबे? बहुत बड़का योगदान छै। हम जे देखलियै मैथिल एतऽ लगभग सब सीट पर करीब करीब बहुत अपन वर्चस्व अहाँके बनेने छथि आ भारी संख्या में छथि अहाँके मिथिलांचल के आदमी, चाहे ओ अरे हमसब जे मिथिलांचल मैथिल जे छी, अहाँके मिथिलांचल में जकर जन्म भेलै ओ सब मैथिल छी। बिल्कुल, हमरा गाम में एकटा बहुत दिन पहिने अहाँके बदरुद्दीन साहब रहथिन मुखिया जी, तऽ हुनका जे लोग परिचय पूछनि तो कहथिन हम मैथिल मुसलमान छी। हमरा सबके गर्व है आई आ हमरा सबके देखल है जे ओ धोती छोड़ के कहियो दोसर चीज नहीं पहिरलकै, एहन एहन जे कट्टरवा छै। अहू बेर हमसब अहाँके विद्यापति समारोह दरभंगा में भेल छलैया एहिबेर, जी जी, और बैजू जी छलाह, हमसब एकटा ई नाम हमरा स्मरण नहि आबि रहल किशनगंज के छलैया, हुनका हमसब मैथिली पुरस्कार देलिए, बढ़िया अवार्ड भेटलैया। एतेक मैथिल के लेल जगह रहला अलग जे हुनका हम धन्यवाद दै छियनि, व्यक्ति के नाम हमरा स्मरण नहि आबि रहल एखन, आ एहिबेर अहाँके मिथिला मंच पर हुनका सम्मान कयल गेलै जी। और खास के दिल्ली में जे छै स्थिति, दिल्ली में राजनीति जे भऽ गेलै ने, ओ राजनीति भऽ गेलै या वोट के राजनीति जी, तऽ वोट में अपन सहभागिता जाबे नहि देखेबै अहाँ तब अहाँके अधिकार नहि भेटत। अधिकार ओहने भेटत जहन अहाँ वोट से ओकरा अधिकार लै ले चाहबै, ओहिना जे चाहबै जे हमरा अधिकार भेटै एहि तरह अधिकार अहाँके, जेनाकि एकटा उदाहरण स्वरूप, माय बेटाके बड़ संबंध रहै छै बहुत अधिक, लेकिन माय की करै छै तऽ दूध पियाबै बेरमे ओ बच्चा कोनैत रहै छै, जाबे कोनै नहि छै ताबे ओकर माँ जे छै से दूध पियाबै लए नहि जाइ छै। ओहिना जकाँ आब चलू एतऽ मैथिल छथि अहाँके एमसीडी चुनावमे बहुत जगह पर मैथिल छथि, और हम जे देखलियै बहुत एमसीडी चुनाव वाला में देखलियै करीब करीब एकटा सिखा राय सब भारतीय जनता पार्टी से सेहो छथि, बहुत पार्टी से छथि लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सिखा राय छथि, अहाँके बलराम मिश्रा जी छथि, हिनका सबके वर्चस्व छनि आ ई सब बहुत आगाँ बढ़ि सकै छथि, हिनका सबके जो और सबके तो सपोर्ट भेटते छनि हिनका, मिथिलांचलों के सपोर्ट भेट रहलनि हँ, तऽ स्थिति जे छै से मैथिल के तऽ अधिकार वोट देबै तकर बाद अधिकार भेटत, ई बात छै, कोनो पार्टी कहे ओहिसँ नहि कोनो लेना, वोट के यूज नहि करबै तऽ अधिकारसँ अहाँके वंचित रहब, जकर कारण छै जे हमरा सब अहाँके मिथिला राज के मांग हमसब केने छियै बहुत दिन से भेल छै, और एकर एकटा पत्रिका हमरा भेटल है और मिथिला आवाज बहुत नीक, एकर नामो जे देने छथिन जे महोदय छथि अहाँके, ओ बहुत नीक नाम देने छथिन, एहिना बहुत तरहक अथी सब निकलि रहलैए। तऽ मैथिल एकटा चीज छलै जे अहाँ कहलियै मैथिल सब एतऽ आबिकऽ सहभागिता देबाक लेल, लेकिन मैथिल सब गाँवसँ निकलै छथिन मैथिल भऽ कऽ, एतऽ आबिकऽ सब अपन नामके टैग अपन मैथिल टैग हटाकऽ पूर्वाञ्चली टैग कऽ लै छथिन, जखन वोट लेबाक समय अबै छै तऽ पूर्वाञ्चलके नामपर वोट दै छथिन, पूर्वाञ्चलके नामपर राजनीति होइ छै, तऽ ओहिपर अहाँ की कहबै सर? मैथिल हम तऽ एकैटा चीज कहबै, पूर्वाञ्चलो सब मैथिले छियै सबटा, सही है बिल्कुल, मैथिल एहिठाम जे छै जहन अहाँ इतिहासमे जेबै पूर्वाञ्चल कहै छियै हमसब मैथिली, अहाँके ककरा कहै छियै? अहाँके लखनऊसँ पूरब जते छै सब मिथिलाञ्चले छियै, एहिके मतलब छै
हुनका सबके संस्कार हमरा सबके मिलै जुलै छै, हमसब एक छी, एक पद्धति से छी, तऽ सहभागी है के लेल असगर मिथिलांचल बुते नहि ने हेतै, मिथिलांचल संगे ओहिमे जोड़ऽ पड़तै सबके, एकर बादे ओ असली मिथिलांचल आ असली मैथिली के प्रतीक है। सर अगर पूर्वांचल, अगर हम जखन पूर्वांचली के गप करै छी तऽ पूर्वांचल के चक्कर में मिथिला के टैग खत्म भऽ जाइ छै, मिथिला के जे अधिकार छै ओ कम भऽ जाइ छै। नहि 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 नहि, जेना कि आब अहाँके उदाहरण स्वरूप दै छी, हमसब अलग अलग जेना झारखंडो छी, बिहारो छी, नाम कतौ कतौ अलग भऽ जाइ छै, लेकिन हमसब एक आदमी छी, कहैके मतलब छै सबसे पहिने तऽ हम ई देश एक छी, एकर बाद ई मिथिलांचल जे छै ओहो एकटा अलग छै, पूर्वांचलो एकटा अलग छै, तकर बाद आओर किछु अलग छै, तऽ ओहिसँ नहि कोनो बात छै। मिथिलांचल जे छै, मिथिलांचलके विकास जे छै से दिल्लीमे जे देखलियै यऽ, एहिपर जे सहभागिता अपन अपन मिथिला लोकनि जे अपन सहभागिता बुझथिन, वोटके राजनीति बुझथिन, जँ बेगर वोटके राजनीतिसँ राजनीति नहि होइ छै। आइ अहाँके जनप्रतिनिधि जे चुनिके जायत वएह आवाज उठा सकैए, हम देखलियै यऽ पार्लियामेंटमे हो, चाहे ओ की कहै छै विधानसभामे हो, चाहे ओ MCDमे हो या मुखियामे हो, जे केओ जीतै छै ओ जीतलाके बादमे अपन आवाज जाबे नहि उठेबै तब पूर्वांचलके की अहाँ बात रखबै आ मिथिलांचलके की बात रखबै। अहाँके जनप्रतिनिधि प्रजातांत्रिक अथी छियै अहाँके, मने एतऽ जे छै से राजाके पेटसँ राजा नहि निकलै छै, वोटके महत्व छै, आओर वोटके राजनीति हेबाक चाही। वोटके राजनीतिमे आइ अहाँ आगू रहबै तऽ काल्हि अहाँके पूछ हैत, आइ अहाँके 5 टा टिकट भेटल हँ, 10 टा टिकट भेटल हँ, अगिला बेर जे अपना क्षमताके देखा देबै तऽ 25 टा टिकट अहाँके भेट जायत, तऽ वोटके राजनीति छै। दिल्लीमे 40 लाखसँ ऊपर मैथिल छियै, दिल्लीके जनसंख्या लगभग 2 करोड़के आसपास छै, ओहिके बाद जखन हम MCD चुनावके गप करै छी तऽ बहुत कम मात्रामे सीट भेटल छै, चाहे कोनो भी पार्टीसँ होइ, भाजपासँ होइ या आम आदमी पार्टीसँ होइ, कांग्रेससँ होइ या फिर अन्य कोनो भी दलसँ छै। सर तहन 40 लाख मैथिल होबाके की मतलब बनै छै? नहि तऽ एकर एकटा कारण छै, अहाँ वोटके वोट नहि बुझै छी, जहिया अपन अधिकारके बारेमे बुझि लेबै, आइ पूरा दिल्ली MCD चुनाव भऽ रहलैए, पूरा दिल्लीमे 40 लाख मैथिल छै, अरे मिथिलामे पूर्वीमे जे जन्म लेने छै ओ मिथिलाञ्चले छै सब, बिल्कुल ओ मैथिले छियै सब, चाहे ओ कोनो जातिके आदमी हो, चाहे ओ अहाँके की कहै छै मोहम्मडन हो, चाहे ओ मण्डल हो, रातू हम नाम एतेक कतेक कहब, सब मैथिल छी। एकर एकैटा कारण छै जे जाबे अहाँ वोटके अधिकारसँ नहि पराजित करबै ककरो, आब अहाँके कोनो पार्टी, कांग्रेस अहाँके टिकट किया देत, भाजपावला टिकट किया देत, जाबे तक अहाँ अधिकार संगठित हेबै ओहने अहाँके पूछत। सर संगठित केना भेल जाए? संगठित भेल जाए हमसब अलग जगबै छियै, एम टू टेम एखन अहाँके जरूरी पड़लैए, जतऽ जतऽ देख रहलियै जे अपन मिथिलांचलके अपन पूर्वीके आदमी जतऽ जतऽ इलेक्शन लड़ि रहलैए, हमसब जेबै, हमसब जाइ छियै, गेलियैए आओर जेबै, आओर एहन तरहक जे आवाज कानमे अबैए जे फल्लाँ ठाँ फल्लाँ आदमी लड़ि रहलैए, तऽ हमसब हमरा सबके कैंडिडेटके कोनो सूचनो नहि दै छियै, हमसब अपने चलि गेलहुँ आओर ओतऽ काज केनाइ शुरू कऽ देलियै। की सर अहाँ पार्टीके विचारधारासँ ऊपर उठि कऽ मैथिल विचारधारापर वोट करबै? नहि, मैथिलेके विचारधारा पहिने छै, पहिने हम ई शरीर छै तहन ने भाषा छै, ई शरीर रहतै तहन ने कोनो भाषा रहतै, तऽ हम दुनू टाइप केने छी, हम चाहै छियै पहिने मैथिल छै अपन अधिकार लिअ, बिल्कुल आइ ओ कोनो पार्टीमे छै अपन अधिकार लिअ, ओ अधिकार जहन अहाँके भेट जेतै तकर बाद ने भेलै, तकर बाद ने देखबै जे हमरा लेल की कऽ रहलैए मैथिल जे पूर्वांचल जे छै कैंडिडेट हमरा लेल की कऽ रहलैए, हमरा लेल एना तऽ सब चीजके सहभागिता छै, सब जाति अहाँके अथी कऽ रहलै सबठाम, लेकिन अपना सबके जे छै से मैथिल जे छै ने ओ जतऽ जतऽ छै से हमसब कोशिशमे छियै जे ओ ट्राई कऽ कऽ आ एहन तरहक बनायल जाबे अहाँके जनप्रतिनिधि, प्रजातांत्रिकमे इएह टा एकटा नियम छै, जाबे अहाँके जनप्रतिनिधि नहि हैत ताबे अहाँ छरपट्टाके मरि जायब, अहाँके अधिकार नहि भेटत। अहाँ तऽ 40 लाखके नौ कहलहुँ हँ, 1 करोड़ जब भऽ जायब तऽ अहाँके जाबे जनप्रतिनिधि, जाबे अहाँके की कहै छै जनप्रतिनिधि नहि हैत तऽ अहाँके 0 वैल्यू,
एक प्रजातांत्रिक में भीड़ के देखल जाय छे, एकल संकलन के नहीं देखल जाय छे, भीड़ के देखल जाय छे। भीड़ के देखल जाय छे, निश्चित रूप से भीड़ के देखल जाय छे, भीड़ के देखा कोई कवाय नहीं छे। सर अहां सब के एई क्षेत्र में मैथिल के मुख्य समस्या की छे? एतो देखलिए मैथिल के समस्या छे, जना आयल छे बहुत कम पाय में काज कर रहले है। अरे हायरो कैटेगोरी पर छे, मिथिलांचल आईएएस आईपीएस के गार्ड मानल जाय छे, मिथिलांचल आईएएस आईपीएस के गार्ड मानल जाय छे, लेकिन गरीबो के हद छे। ओय गरीब के घर केना बनते? आइ मान लिया हमर जनप्रतिनिधि बनते तो घर बनेते। एतुका जते को माने जते सरकार से अनुदानित राशि छे ओ ओतो तक पहुँचते तो बनते तहने हेतै, जाबे वहाँ के बनते नहीं अब नहीं हेतै। सर अगर राज्य बने छे, अगर राज्य बने छे तो की राज्य बनला के बाद ऐ सब चीज के सोल्यूशन भेट जेते? नहीं, राज एक टा जना की मांग है छे, हम सब मांग करने छी बहुत दिन से, मांग भेला से सोल्यूशन नहीं भेटी छे। लेकिन हम जनसंख्या में जे बढ़िया विचारधारा बने छे तो कनी नीक है छे। आज झारखंड गेल छलो हम, राज अलग भ गेले, हम पहिने रही दुखी में जे हमरा अलग भ गेल, लेकिन एखन जे गेल छलो हां तो बिहार से हमरा कनी एक रति नीक लागल, ओतो बढ़िया लागल। तो कहे के मतलब छे जे जनसंख्या आधारित जे छे ना ओ ठीक छे, अहाँ के राज के अलग कला से कोनो ओहिमे फायदा कर फायदा नहीं छे, लेकिन फायदा छे। और बहुत दिन से मैथिल के व्याकरण छे, और कोनो के व्याकरण नहीं छे, मैथिल समाज के व्याकरण छे, अपन ओकर सिद्धांत छे, अपन ओकर अहाँ के सारा सिस्टम छे। तो सर ताही सबक बेस पर तो मांग कैल जा रहल छे राज्य के? हाँ, तो हम सब एक बेर अहाँ के दरभंगा में गेल छला, गोपाल जी ठाकुर, वैद्यनाथ जी, बैजू जी, तो हमरा सब ई चीज कहने छलिए ने एम पी साहब के, तो एम पी साहब कहलन जे नहीं अष्टम सूची के लेल हमरा सब की लड़ाई लड़लों हम सब बुझे छी। अष्टम सूची के लेल एना हम सब वाजपेयी जी के अठा गेलों, केना वाजपेयी जी लग से हम सब अथी करवेलों वहाँ के, आ ओहि में हम नाम बिसरि रहल छी, सी पी ठाकुर के जे लड़का छलथिन जे एखन राज्यसभा में गेलखिन हैं, ओ बेचारे अपना पैसा से हमरा सबके 100 बेर आब पड़ल, अपना पैसा से टिकट कटा के कहीं चलाओ, जहन कि उनका वैसे नहीं मतलब छे। लेकिन एते आपकता देखलिए, आई विद्यापति मंच बने के बात भले जत कतु, तो एक हमर गाँव सर्रा गाँव है, ओहू गाँव में कहल कि एक विद्यापति मंच बना लिया, विद्यापति के गाँव में दलिए मंच दलिए, कहे के मतलब दरभंगा में लगभग 30-35 लाख रुपया वह दिलखिन है, तो कम से कम मैथिल का आवाज़ तो उठेलखिन हो सर। लेकिन वो आवाज़ उठेलखिन है से तो नीक गप, उठेबाको चाहिए, उनका कर्मभूमि छन, मातृभाषा छन, मातृभूमि छन। लेकिन सर बाकी हरेक जगह पर विद्यापति समारोह तो होइ छे, लेकिन जै जगह पर होबाक चाहिए जत बाबा के जन्म भेल छन ओ जगह के उदासीनता देखबै तो नहीं? उदासीनता नहीं, एबेर गेल छलिए हम अहाँके माध्यम से मिथिला चैप्टर के चैनल से हम अहाँके विश्वास दियाबै छी जे सी पी ठाकुर जी के लड़का ओ पूरा सौंदर्यीकरण के लेल लगभग हमरा अनुमानित राशि अहाँ के लगभग ओते नहीं बुझल, लेकिन 50 लाख रुपया एखन ओ पच्छन दिलखिन हैं वही ठाम के लेल, हमरा सब एक दू महीना में जा रहल ये ओकरा अथी करबे ले। अखन हम सब हिनका संगे जुड़ल छलहुँ हैं और हम सब बहुत रास मैथिल और मिथिला के गप पर चर्चा कलूँ हैं, बहुत नीक गप सब कहले थे हमरा सबके अलग जगह बाक लेल, एकजुट होवे बाक लेल। और अहाँ सब देख रहल छलहुँ हैं मिथिला चैप्टर, हमरा सबक संग चले थे कैमरा पर्सन संजीव बिट्टू और हम छी अहाँ सबक अभियानन, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।